परसों मुझे मौका मिला एक एक क्लास में, एक स्कूल में लेक्चर देने का, एक स्कूल में लेक्चर में बैठने का, और तीन स्कूलों को विजिट करने का। आई अटेंडेड अ क्लास ऑफ अ वेरी वेरी रेप्यूटेड पर्सन, शी वेरी गुड टीचर। सो आधे घंटे मैंने वेट किया उनका बाहर, उनसे मिलने के लिए। शी वॉज बिजी, शी सेड आई हैव गॉट अ क्लास। तो मुझे लगा जब बाहर बैठ के वेट करूंगा, चलो क्लास में बैठ के वेट करता हूँ उनके, देखता हूँ क्या पढ़ाती हैं, कैसे पढ़ाती हैं, और मैं अपनी क्लास को कैसे इंप्रूव कर दूं। तो शी वॉज टीचिंग इंग्लिश। अराउंड 35 मिनट्स का क्लास हुआ, घुसते ही टीचर ने बोला, कम ऑन, विद इन 2 मिनट्स ऑल ऑफ यू रीड दिस पैराग्राफ, एक कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ। तो टेंशन में हम सब ने पढ़ना शुरू कर दिया, बराबर बराबर बराबर। एक दूसरे स्कूल का क्लास था, आपके स्कूल का नहीं, क्लास थी क्लास थिंक 9th या 10th या 11th थी, ऐसे कोई बड़ी क्लास थी, मुझे 11th थी शायद, मुझे याद नहीं है कौन सी क्लास थी, घुस गया था ऐसे ही। बच्चों ने पढ़ने, सबने पढ़ना शुरू कर दिया, फिर मैंने भी पढ़ा अपना। फिर जब खत्म हो गया, नाउ क्लोज ए बुक, यू आर नॉट सपोज लुक इन द बुक, किसी ने छुपाया रखा रखा। अब 2 मिनट में याद कहाँ हो जाता है सब बच्चों को। फिर टीचर ने क्वेश्चन पूछा, दो चार हाथ उठे, फिर सवाल पूछा मैम ने, एक भी जवाब जो बच्चों ने दिया उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया। हर जवाब को उन्होंने, इसमें ये कमी है, इसको ऐसे ठीक करना है, बोर्ड में ये करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। एवरी मोमेंट ऑफ द क्लास वॉज काइंड ऑफ स्ट्रेस फॉर द होल स्कूल, लाइक होल क्लास। शुरू में मुझे लगा मैं एक आध जवाब दूं, लेकिन फिर मैंने हाथ नीचे रख दिया। मुझे भी ठीक कर देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी पब्लिक में। मुझसे बोलती है, मुझे बाद में बताना मेरी क्लास कैसी रही। मैंने कहा मैडम मत पूछे तो अच्छा है। क्लासरूम इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू लर्न, इन अ ग्रुप इट्स डिफिकल्ट। थैंक्स टू मैम, हम लोग अपनी इस क्लास में, मैं आपको पढ़ाता नहीं हूं, बस पढ़ता हूं, आप सुनते हैं। बहुत सी गलतियां भी होती हैं हम लोगों से, बट वी सब साथ में मिलकर के कुछ सुनने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा था कि किस तरह से अगर किसी को, किसी के ऊपर अथॉरिटी साबित करना हो, अपनी बात मनवानी हो, तो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर वो तीन चीजें आपको नहीं पता तो आपकी अथॉरिटी कोई मानेगा नहीं। वैसे वर्षा आपके ऊपर कोई अथॉरिटी कर रहा है और उसको ये तीन चीजें नहीं मालूम, तो आप भी धीमे धीमे उसकी अथॉरिटी को मानेंगे नहीं। तीन चीजें हैं, सबसे पहले तो जो तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी कायम कर रहा है वो क्या करे, वो आपकी बात ध्यान से सुने, तभी तो आपको फीलिंग आएगी कि इस आदमी को रिस्पेक्ट करूं। वो आपकी बात सुने, आपको ये फीलिंग होनी चाहिए कि मेरी बात सुनी जाएगी जब मैं कहूंगा। तो दूसरी चीज, रूल्स प्रेडिक्टेबल होने चाहिए, कि जो भी आदमी रूल बनाए हमारे घर में कल भी वैसे ही रहेगा जैसा आज है, बदलना नहीं चाहिए उसको। और थर्ड क्या था, कि आदमी फेयर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटी के साथ कुछ और कर रहा है, बेटे के साथ कुछ और नियम कर रहा है। तो मुझे बहुत दिनों से प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स के बारे में जब मैं पढ़ता था तो मुझे मालूम नहीं पड़ता था, मुझे दोनों एक ही लगते थे। आपको भी पता है प्रोटेस्टेंट्स कैथलिक्स एक, दोनों तो चर्च जाते हैं, ईसा मसीह को सब मानते हैं, तो दोनों अलग अलग कैसे। तब मैंने थोड़ा बहुत खोजा वोजा, प्रोटेस्टेंट जो होते हैं वो लोग बहुत रिसेंटली आए हैं, करीब 400-500-600 साल पे, 500 साल पहले या 600 साल पहले आए हैं। जर्मनी में शुरुआत हुई थी प्रोटेस्टेंट्स की। प्रोटेस्टेंट्स मानते हैं जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले हैं उनमें कुछ गलतियां हैं, एरर है, तो उन गलतियों को ठीक करके जो लोग मानते हैं वो लोग प्रोटेस्टेंट्स हैं, और जो लोग उसको मानते हैं वो लोग कैथलिक्स हैं, रोमन कैथलिक्स। पानी था ना, थैंक यू। तो आयरलैंड में क्या हो रहा था, दंगे हो रहे थे। जुलाई इन नॉर्दर्न आयरलैंड इज द हाइट ऑफ व्हाट इज नोन एज मार्चिंग सीजन। जुलाई में वहां पर मार्चिंग सीजन होता था। व्हेन द कंट्रीज प्रोटेस्टेंट लॉयलिस्ट्स ऑर्गेनाइज परेड टू कॉमेमोरेट लॉन्ग अगो विक्ट्रीज ओवर कंट्रीज कैथलिक माइनॉरिटी। कॉमोमरेट मतलब मनाते थे वो लोग,
बहुत जमाने पहले उनकी विक्ट्री हुई थी, किसकी विक्ट्री, प्रोटेस्टेंट्स जीत गए थे कैथलिक से, तो उसको मनाते थे लोग, जश्न मनाते थे। देर आर चर्च परेड्स, आर्च बैनर एंड हॉल परेड्स, कॉमेमोरेटिव बैंड परेड्स एंड ब्लड एंड थंडर एंड किक द पोप फ्लूट बैंड परेड्स, पोप पोप को मारो परेड, मतलब जिंदाबाद जिंदाबाद परेड, ढेर सारी परेड हुआ करती थी। देर आर परेड्स विथ फुल ऑफ सिल्वर बैंड, परेड विथ बिग बैग पाइप्स, बड़े बड़े बाजे गाजे बैग पाइप्स लगा बजा के लोग परेड करते थे। परेड्स विथ अकॉर्डियंस एंड परेड्स विथ मार्चर्स वियरिंग शासिश एंड डार्क सूट्स विथ बॉलर हैट्स, मतलब बैंड बांध बांध के, और जितने भी तरीके के परेड्स हो सकते थे परेड्स होते थे वहां पे। देर आर हंड्रेड्स ऑफ परेड्स इन ऑल इन्वॉल्विंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, कल्मिनेटिंग एवरी ईयर इन मैसिव मार्च ऑन 12th ऑफ जुलाई एट मार्क दैट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री ऑफ विलियम ऑफ ऑरेंज इन द बैटल ऑफ बायोन इन 1960 व्हेन प्रोटेस्टेंट्स कंट्रोल ओवर नॉर्दर्न आयरलैंड वाज एस्टैब्लिश्ड वंस एंड फॉर ऑल। मतलब वही मैंने पढ़ा था कि विलियम ऑफ ऑरेंज कोई थे और लड़ाई हुई थी बायोन में 1960 में, वही 400-500 साल पहले, और उस विक्ट्री को ये लोग मनाते थे, हजारों लोग परेड में जाते थे। मुझे ध्यान आया जब हजारों की बात चल रही थी ना, कि जब बिहार का नाम पता है बिहार क्यों पड़ा है, क्योंकि वहां पर गौतम बुद्ध विहार करते थे, विहार मतलब विचरते थे, विहार मतलब ट्रैवल करना, चलना, इसलिए विहरना। और जब गौतम बुद्ध ट्रैवल करते थे तो उनके साथ 10,000 भिक्षुज ट्रैवल करते थे, और कहते हैं आवाज नहीं आती थी, पता नहीं चलता था कि लोग जा रहे हैं। अशोका पिक्चर देखी है आपने, अशोका जो शाहरुख खान की मूवी थी, इवन नित्यनाथन वॉकिंग मेडिटेशन पे बहुत जोर देते हैं, वो लोग बोलते हैं चलो ऐसे चलो एकदम धीमे धीमे, जैसे जमीन को तुम किस कर रहे हो, बहुत प्यार से चलो। तो जब बुद्धिस्ट मॉन्क चलते थे तो आवाज नहीं होती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी, एकदम धीमे धीमे चलते थे। 10,000 लोग सोचे कहीं हो और आवाज ही ना हो, और यहां पर पूरा जिंदाबाद जिंदाबाद, पोप को मारो, ये करो, देखिए बोलता है नाइट बिफोर 12th इट एज इट इज नोन मार्चर्स अराउंड द कंट्री होल्ड स्ट्रीट पार्टीज एंड बिल्ड एनॉर्मस बॉनफायर्स, बड़े बड़े बॉनफायर बनाते थे लोग एक रात पहले उस मार्च। बॉनफायर जानते, बॉनफायर मतलब आग जला करके उसके चारों तरफ बैठते थे। व्हेन द फायर वाज एट द हाइट एट इट्स हाइट द ग्रुप चूजेस अ सिंबल टू बर्न, कुछ जलाते थे वो लोग। इन पास्ट ईयर इट हैज बीन, पिछले साल किसको जलाया उन्होंने, एन एफिजी ऑफ पोप, पोप का एफिजी, पोप की कोई मूर्ति वूर्ति मॉडल बनाकर उसको जलाया। एंड सम हेटेड लोकल कैथोलिक ऑफिशियल, और जो लोकल कैथोलिक ऑफिशियल होगा से कोई उनका लोकल कैथोलिक में जो मैनेजर वगैरह होगा उसको, उसकी मूर्ति। आपको वही दोबारा आ गया, हाँ वो बाद में करेंगे, वो दैट इज फुटनोट है, वो उसको फुटनोट को बाद में करेंगे। हियर इज वन 12th डिटी गोज संग टू द ट्यून ऑफ क्लेमेंटाइन, एक गाना वो लोग गाते थे बॉनफायर में, क्या गाते थे, बिल्ड बॉनफायर बिल्ड बॉनफायर, स्टिक अ कैथलिक ऑन द टॉप, बॉनफायर बनाओ और कैथलिक को ऊपर स्टिक कर दो, पुट द पोप राइट इन द मिडिल, और पोप को बीच में डालो, एंड बर्न द फकिंग लॉट, और उन सबको कुत्तों को जला डालो। ये मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नॉर्दर्न आयरलैंड इज नॉट अ लार्ज कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। इट्स सिटीज आर डेंस एंड कॉम्पैक्ट एंड एज लॉयलिस्ट मार्च बाई ईच समर इन देयर बोलर्स हैट एंड सासिश विथ फ्लूट्स दे इनएविटेबली पास्ड बाई द नेबर्स ऑफ पीपल हुज डिफीट दे आर सेलिब्रेटिंग। छोटा सा शहर, छोटा सा देश था, और गलियां सकड़ी सकड़ी थी, और जिन लोगों के खिलाफ उनकी विक्ट्री को मनाते थे ये लोग, उन्हीं के घर से गुजरते, उन्हीं के घर के बीचों बीचों बीच में से, मतलब गलियों में से गुजरते थे। तो ऐसे समझिए जैसे अगर आप हिंदू हैं और मुस्लिम हैं, मुस्लिम आपके खिलाफ जीते हैं और आप मुर्दाबाद मुर्दाबाद करते हुए उनके खिलाफ जा रहे हैं उनके घर के बगल में से, तो कैसा महसूस करेंगे, या तो वाइस वर्सा, बिल्कुल वैसे वैसे। बोलता है द सेंट्रल आर्टरी ऑफ कैथलिक वेस्ट बेलफास्ट, आर्टरी यहां पर खून की नली को नहीं बोलते, सड़कों को भी आर्टरी बोलते हैं क्योंकि वहां से सब कुछ चलता है ना, सुंदर है ना। द सेंट्रल आर्टरी ऑफ कैथलिक वेस्ट बेलफास्ट इज इन द प्लेस नो मोर देन फ्यू मिनट्स वॉक फ्रॉम द स्ट्रीट दैट रन्स टू द हार्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट
वेस्ट बेलफास्ट, मतलब भाई कि जो सबके रोड हैं आसपास ही हैं। देर आर प्लेसेस इन बेलफास्ट वेयर हाउसेज ऑफ कैथलिक बैक डायरेक्टली ऑन टू द बैकयार्ड्स ऑफ प्रोटेस्टेंट्स इन सच क्लोज प्रॉक्सिमिटी दैट ईच हाउस हैज जायंट मेटल ग्रेट ओवर इट्स बैकयार्ड टू प्रोटेक्ट द इनहेबिटेंट्स अगेंस्ट डेब्रिस और पेट्रोल बॉम्ब थ्रोन बाय देयर नेबर्स। बहुत बहुत से तो घर ऐसे हैं कि प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स का घर सटा सटा है उनकी बिल्डिंग बाउंड्रीज, तो उसमें बड़े बड़े उन्होंने लगा रखे हैं आयरन के रॉड्स ताकि उधर से कोई कचरा ना फेंक दे या पेट्रोल बॉम्ब ना फेंक दे। ऑन द नाइट बिफोर 12th, 12 तारीख की रात के पहले, व्हेन लॉयलिस्ट लिट बॉनफायर अराउंड द सिटी, पीपल इन कैथलिक नेबरहुड वुड स्मेल एंड द स्मोक एंड हियर द चैंट्स एंड सी देयर फ्लैग गोइंग अप इन फ्लेम। मतलब कैथलिक बेचारे घर में माइनॉरिटी में थे ना, कैथलिक्स रोमन्स का वहां पर माइनॉरिटी में थे, तो उस रात को उनको क्या, कैथलिक्स बेसिकली प्रोटेस्टेंट्स जीत रहे हैं, इस जगह पे नॉर्दर्न आयरलैंड में जहां पर हम बात कर रहे हैं, यहां पर कैथलिक्स माइनॉरिटी में थे। तो बोलता है कि आपके घर के पीछे आप ही का अपना झंडा जलाया जा रहा है, आप ही के खिलाफ चैंटिंग की जा रही है। द मार्चिंग सीजन वायलेंस ऑलवेज इरप्ट्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड, और जब भी मार्चिंग सीजन होता है तो वहां पर कुछ ना कुछ क्या होता है, वायलेंस, वायलेंस मतलब हिंसा, कोई ना कोई मारपीट। वन ऑफ द इंसिडेंट्स दैट बिगैन द ट्रबल वॉज 1969 आफ्टर टू डेज ऑफ राइट ब्रोक आउट व्हेन परेड पास्ड थ्रू कैथलिक नेबरहुड, और एक राइड चालू हुआ तो दो दिन के बाद जब रॉयट्स होते उसके बाद, व्हेन द मार्चर्स वेंट होम दे वेंट ऑन अ रैम्पेज थ्रू स्ट्रीट ऑफ बेलफास्ट वेस्ट बेलफास्ट बर्निंग डाउन स्कोर्स ऑफ होम्स। जब वो जा रहे थे मारपीट हुई, दंगा टाइप का हुआ, रैम्पेज हुआ, उन्होंने कुछ एक दो घरों में आग लगा दी थी। द गन बैटल्स द फॉलोइंग समर दैट सो ट्राइड द फ्रीलैंड्स पेशेंस ऑल्सो हैपन ड्यूरिंग द प्रोटेस्टेंट्स मार्चेस। वो जो जहां पर गोली बारू चले थे ना, हमने पढ़ा था जब फ्रीलैंड आया था, इंग्लैंड से भेजा गया था वो, तो वो भी इसी सीजन में हुआ था जिस समय इनके मार्चेस होते थे। फ्रीलैंड को जानते हैं ना, फ्रीलैंड वो जर्नल था जो आए थे, सोचा था कि चलो हफ्ते 10 दिन में ठीक ठाक करके चले जाएंगे, और 30 साल तक बेचारे विद्रोह चलता रहा। तो बोलता है इमेजिन करिए, ये कहानी थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा इमेजिन करने के लिए क्योंकि हम यूएस के हैं नहीं, तो ये दो तीन लाइन थोड़ा अजीब लगेगा आपको। इमेजिन दैट एवरी समर यूएस आर्मी वेटरन्स फ्रॉम द नॉर्दर्न स्टेट पैरेडेड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ एटलांटा एंड रिचमॉन्ड टू कमेमोरेट देयर लॉन्ग अगो विक्ट्री ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर। बेसिकली मुझे लगता है अमेरिकन सिविल वॉर जिन्होंने जीता है, वो लोग आकर के जिनसे जीता है उनके खिलाफ अगर जिंदाबाद जिंदाबाद करें तो उनको खराब लगेगा। हमारे यहां ऐसा मान लीजिए जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई, आप हिंदू हैं और मुस्लिम आपके खिलाफ मुर्दाबाद कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, मान लीजिए आपके घर के बगल में कोई पाकिस्तानी रहता है और आप हिंदू हैं तो उसके खिलाफ मुर्दाबाद करें या वाइस वर्सा, ऐसा कुछ। इन द डार्क ईयर्स ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड व्हेन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स वर एट ईच अदर्स थ्रोट दैट्स व्हाट मार्चिंग सीजन फेल्ट लाइक। बेसिकली जिस समय लोग एक दूसरे की थ्रोट गर्दन पकड़ पकड़ के रहते थे वैसा ही सीजन यहां पर चलता था मार्च के टाइम पर जब मार्चिंग होती थी। When the residents of lower falls looked up that afternoon and saw British army descend on their neighborhood, they were then as desperate as anyone to see law and order enforced in Belfast. Basically, जब ये कौन लोअर फॉल में जहां से हमारी ये लेडी है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कौन, रोज मेरी लोलर, ये जब बोल रही है ये लोग भी चाहते थे किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर यहां पर कायम हो जाए, लोग लड़ाई वड़ाई न करें, शांति से रहें। बट दे वर इक्वली एंशियस अबाउट हाउ लॉ एंड ऑर्डर वुड बी एनफोर्स, लेकिन उनको डर भी लग रहा था कैसे एनफोर्स किया जाएगा, एनफोर्स मतलब जबरदस्ती लागू किया जाएगा। देयर वर्ल्ड डिड नॉट सीम फेयर, क्योंकि उनको लग नहीं रहा था कि जो इंग्लैंड से लोग आएंगे वो लोग फेयर हैं। द 12th व्हेन ईदर देयर फ्लैग और पोप वुड बी बर्न इन जायंट बॉनफायर वॉज ओनली डेज अवे, बोलता है और कुछ दिन बाद क्या होने वाला है, उनके अपने पोप को जलाया जाएगा, उनकी मूर्ति उर्ति जलाई जाएगी या तो उनके अपने फ्लैग जलाए जाएंगे कुछ ही दिनों में। द इंस्टीट्यूशन चार्ज्ड विद कीपिंग बोथ साइड्स अपार्ट ड्यूरिंग मार्चिंग सीजन वाज द पुलिस फोर्स द रॉयल अल्स्टर कंस्टेबुलरी, कंस्टेबुलरी आर यू सी,
ये उस पुलिस फोर्स का नाम था जो वहां से आई थी इंग्लैंड से, और उसका काम था इन दोनों पार्टी के बीच में लड़ाई ना होने देना। इट बिलोंग टू द अदर साइड, लेकिन ये थी किसके साइड में? प्रोटेस्टेंट की तरफ थी, कैथलिक्स के खिलाफ थी। द आरयूसी हैड ऑलमोस्ट नथिंग टू ट्राई टू स्टॉप द रायट्स इन प्रीवियस समर, उन्होंने पिछली समर में कुछ भी नहीं किया था लड़ाई रोकने के लिए। द ट्रिब्यूनल कन्वेंट by the British government concluded after the Protestant loyalist had torched house that RUC officers had failed to take effective action. Tribunal convent मतलब अधिकरण, एक अधिकरण निकाला गया था, गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला था और उसमें लिखा गया था कि जो RUC officers थे उन्होंने लड़ाई झगड़ा रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। They failed to take effective action, effective action लेने के से फेल हो गए थे वो। Journalist at the scene reported loyalists going up to the police officer and asking them if they could borrow their weapons. और जो अखबार में लिखते थे जर्नलिस्ट, उन्होंने तो यहां तक लिखा कि जो प्रोटेस्टेंट्स थे इतने उनकी दबंगगिरी उनकी इतनी ज्यादा थी कि पुलिस वालों के पास जाते बोलते थोड़ा बंदूक लाइए, थोड़ा काम करके गोली चला के आते हैं। और इनका काम क्या था? दोनों पार्टीज के बीच में वायलेंस रोकना। One of the reasons British Army had been brought into the Andaman Island was to serve as imperial referee between Protestants and Catholics. Sorry, impartial referee. उनका काम यह था कि वो लोग impartial हो, unbiased हो और इन लोगों के बीच में, Protestants और Catholics के बीच में। But England was an overwhelmingly Protestant country. लेकिन England क्या है? Protestant country। मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे मालूम पड़ गया। So it seemed only natural to Northern Ireland's beleaguered Catholics that the sympathies of the soldiers would ultimately lie with the Protestants. Beleaguered मतलब होता है घेरा, घेरा करना, घेराव करना। बोलता लेकिन जब इंग्लैंड से वो लोग आए, वो लोग तो खुद प्रोटेस्टेंट्स हैं जो लोग पुलिस वाले आ रहे हैं, तो जब प्रोटेस्टेंट्स आएंगे पुलिस वाले, कहावत है ना, जब दरोगा अपने हमारे सैया दरोगा तो डर काहे का, ऐसा गाना है जब कि हमारे जब बलम दरोगा है तो अपनी तो चलेगी चलेगी, जो मर्जी आओ करो। तो वही जब प्रोटेस्टेंट ही दरोगा प्रोटेस्टेंट हो गया है लड़ाई, जब पुलिस वाला ही प्रोटेस्टेंट है तो डर काहे का। तो उन लोगों को डर लग रहा था कि जो सिंपति रहेगी वो सब प्रोटेस्टेंट के लिए रहेगी, इन कैथलिक के लिए कुछ नहीं रहेगा। When the big loyalist march had run through the Bell Murphy in the east in the Easter before curfew, British soldiers had stood between the marchers and the resistants. जब लड़ाई मतलब मार्चिंग चल रही थी तो ये जो पुलिस वाले थे वो बीच में खड़े हो गए, किसके बीच में? एक तरफ प्रोटेस्टेंट एक तरफ कैथलिक्स। कैथलिक्स बहुत कम है, कैथलिक्स हैं कुछ भी पढ़ लेंगे, उसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। भगवान ने हमारे लिए गूगल भेज रखा है, विकिपीडिया खोज रखा है, उसमें अगर आप एक माइक बनाए उसको दबा देंगे तो दो तीन भाषाओं में कैथलिक ऐसा चार पांच अक्षरों में बता देगा और हम सब का उद्धार हो जाएगा। उसमें प्रोनाउंसिएशन में बहुत घबराए ना हम सब, ना भी हुआ तो मान लीजिए इंडियन, हम लोग भगवान करेगा कभी हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा तो हम अपना डालेंगे, इंडिया में बोलते हैं कैथलिक, लोग का कर ली हो, लखीमपुरिया लोग बोलेंगे कैथलिक ले। तो बोलता है नहीं, इसके बारे में बड़ा चिंता करते हैं। बट पता है इंडिया के वन ऑफ द, मुझे बहुत, मैं उनका फैन हूं, ओशो, उनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल इंडियन है। The importance is you understand the word, the meaning of it. That is more important. लेकिन बहुत बार नौकरी के लिए बड़ा लगता है ना, अमेरिका में नौकरी करनी है तो आपको श्वा फां करके बोलना पड़ेगा। काशीनाथ जी ऐसी बात करते हैं, गौतम काशीनाथ, सुबह हम लोग डिस्कस करते हैं ना, मार्क छापर Zuckerberg, Zuckerberg ऐसे करते हैं वो लोग। तो बोलता है बट इंग्लैंड वॉज सॉरी when the big loyalist march had run through the Bell Murphy in the Easter before curfew, the British soldiers had stood between marchers and residents, ostensibly to act as buffer. ये साफ साफ किस लिए खड़े थे बीच में? ताकि buffer की तरह खड़े हो। ostensibly मतलब साफ साफ, इनका काम था buffer। buffer मतलब जानते हैं? buffer मतलब दो चीजों के बीच में जब चोट ना लगे, जैसे हम लोग बैठे हैं कुर्सी नीचे लकड़ी का है तो ये जो गद्दा है बफर का काम कर रहा है ताकि दो चीजों में फ्रिक्शन ना हो, लड़ाई ना हो। तो क्वेश्चन इज लाइक बफर, तो बोलता है इसलिए थे ताकि दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, बफर की तरह काम करें। बट द ट्रूप्स फेस्ड
the Catholics in the sidewalk and stood their back in the loyalists, as if they saw their job was to protect the loyalists from the Catholics, but not the Catholics from the loyalists. लेकिन जब वो खड़े थे तो उनका मुंह किसकी तरफ था? कैथलिक्स की तरफ. छूना नहीं. एज इफ वो कैथलिक्स से लॉयलिस्ट उनको प्रोटेस्टेंट को बचा रहे हैं, ना कि वाइस वर्सा. जबकि ज्यादा वो थे, बचना इनको चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था ऐसे ही जो मेजोरिटी में है उनको बचा रहे हैं माइनॉरिटी वालों को से. क्या चीज जाना है? क्या लेट हो रहा है? द जनरल फ्रीलैंड वॉज ट्राइंग टू एनफोर्स लॉ इन बेलफास्ट. जनरल फ्रीलैंड क्या कोशिश कर रहे थे? लॉ को एनफोर्स करने की कोशिश कर रहे थे बेलफास्ट में. बट ही नीडेड टू आस्क फर्स्ट हिमसेल्फ इफ ही हैड लेजिटिमेसी टू एनफोर्स लॉ, एंड द ट्रूथ इज ही डिडंट. उनको पूछना चाहिए था क्या बच्चे मेरा रिस्पेक्ट करेंगे, क्या बच्चों को मेरे पर भरोसा है, बच्चों को, मैं बच्चों पर बोल रहा हूं, पब्लिक को मेरे पर भरोसा है. ही वॉज, और सच्चाई ये थी कि उनके ऊपर पब्लिक भरोसा नहीं कर रही थी. ही वॉज इन चार्ज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन दैट द कैथलिक ऑफ द नॉर्दर्न आयरलैंड बिलीव्ड विद गुड रीजन वॉज थरली सिंपथेटिक टू द वेरी पीपल हु हैड बर्न डाउन द हाउसेज ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स द प्रीवियस समर. वो पब्लिक को ऐसा लगता था कि ये इंचार्ज हैं उन लोगों के, ये उनके तरफ से आए हैं जिन्होंने हमारे घर, हमारे परिवार के, हमारे रिश्तेदारों के घर जलाए. एंड वेन लॉ इज अप्लाइड इन द एबसेंस ऑफ लेजिटिमेसी इट डज नॉट प्रोड्यूस ओबीडियंस. ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है लिखा है. जब लॉ अप्लाई किया जाता है कब? इन द एबसेंस ऑफ लेजिटिमेसी. लेजिटिमेसी के एबसेंस में तब ओबीडियंस नहीं मिलता है आपको. लेजिटिमेसी मतलब वाजिबता, वाजिबता एक हिंदी वर्ड है, बट लेजिटिमेसी को आप अपने दिमाग में लेजिटिमेसी ही समझिए. कोई ऐसी चीज जो सही, राइट, नाजायज, फेयर. जब नाजायज तरीके से आप लॉ एनफोर्स करेंगे तो आपको ओबीडियंस नहीं मिलेगी. आप आए हैं स्कूल, लेट हो गया आपको, और लेट क्यों हुआ? क्योंकि किसी टीचर ने आपसे कहा था लेट आना. किसी टीचर ने आपसे कहा हो, मान लीजिए स्कूल के प्रिंसिपल ने आपसे कहा हो कि आज सुबह जब तुम आ रहे हो तो जाकर के धोबी के यहां से मेरा कपड़ा ले आना, और धो बोला जब तक कपड़ा नहीं लाओगे तब तक आना वहां स्कूल में, आपको लेट हो गया, और बाहर गार्ड आपको अंदर घुसने नहीं दे रहा स्कूल में, तो आपको गुस्सा आएगा. ओबीडियंस नहीं, आप ओबे नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको लगेगा ये नाजायज है, इलेजिटिमेट क्वेश्चन नहीं है. लेजिटिमेसी होती तो बोलते कि अपनी मर्जी से आओ, तब टाइम तुम्हारा है. तो आप डिसोबे कब करते हैं? जब नॉन लेजिटिमेसी आती है और आपके ऊपर जबरदस्ती लॉ एनफोर्स किया जाता है. बोलता है इट प्रोड्यूसेस ऑपोजिट. अगर जबरदस्ती आप किसी के ऊपर लॉ एनफोर्स करोगे इलेजिटिमेट तरीके से, तब इट प्रोड्यूसेस ऑपोजिट, उल्टा चीज होता है, उसको बोलते हैं बैकस्लैश. बैकलैश, बैकलैश का हिंदी वर्ड है प्रतिघात. प्रतिघात एक हिंदी में पिक्चर बनी थी, इसमें एक लड़की का बेचारी का रेप होता है तो फिर मारती है उस पुलिस वाले को, मारती है. बहुत पुरानी पिक्चर है. बोलता है ग्रेट पजल फॉर नॉर्दर्न आयरलैंड इज वाई इट टुक ब्रिटिश टू सो लॉन्ग टू अंडरस्टैंड दिस. ये चीज, सिंपल सी चीज, ब्रिटिश को इतने साल, इतना टाइम क्यों लग गया समझने में कि अगर हम लॉ एनफोर्स करेंगे नाजायज तरीके से तो कोई हमको मानेगा नहीं. और ब्रिटिश को तो छोड़िए, कॉमन पीपल भी भूल जाते हैं चीज. मेरे घर में इस समय इलाहाबाद में आग लगी हुई है. आग मतलब तीन बच्चे हैं छोटे छोटे, और मां बाप उनको मार मार के, पीट पीट के, उसमें से एक लड़की है और एक लड़का है और एक और लड़की है, तो जिसमें से सबसे एक लड़की है उसको खूब मारा पीटा जा रहा है, उसको स्कूल जाने से मना कर दिया गया है, और जितना ही उसको मारते हैं उतना ही रिवोल्ट करती है. क्यों? क्योंकि उसके साथ एक और जो लड़की, दूसरी लड़की है, उसको नहीं मारा पीटा जा रहा है, या जो लड़का है उसको नहीं मारा पीटा जा रहा है, वो वही सब हरकत करने के लिए, तो ये रिवोल्ट कर रही बार बार. और इस काम को हो चुका है ऑलमोस्ट 2 से 3 साल. तो ब्रिटिशर समझ नहीं पा रहे थे इतना लंबा समय क्यों लगा. इन 1969 द ट्रबल रिजल्टेड इन 13 डेथ्स. 13 मौतें हुई, 73 शूटिंग हुई, 8 बॉम्बिंग हुई. 1970 में फ्रीलैंड डिसाइडेड टू गेट टफ विद थग्स एंड गनमैन. फिर फ्रीलैंड आया 1970 में, उसने सोचा कि अब मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा गनमैन के साथ और थग्स के साथ. थग मतलब गुंडे टाइप के लोग. वार्निंग दैट एनीवन कॉट थ्रोइंग गैसोलीन बॉम्ब्स वाज लायबल टू बी शॉट. उसने कहा जो भी गैसोलीन बॉम्ब फेंकेगा उसको हम
गोली से मार देंगे, गोली मार देंगे। व्हाट हैपेंड और हुआ क्या? हिस्टोरियन डेसमोंड हिल हैमिल राइट्स, हिस्टोरियन हिस्ट्री के राइटर हैं, वो लिखते हैं द आईआरए, आईआरए मतलब ये आपके कैथलिक्स, रेटिलिएटेड बाय सेइंग दैट दे वुड शूट सोल्जर्स इफ आयरिश मैन वर शॉट। उन्होंने कहा कि अगर हमारे आयरिश मैन को मारोगे तो हम तुम्हारे सोल्जर्स को मारेंगे। द प्रोटेस्टेंट अल्स्टियर वॉलंटियर फोर्स एन एक्सट्रीम एंड इलीगल पैरामिलिट्री यूनिट, एक्सट्रीम मतलब जो दूर, हाँ एक वॉयलेंट और इलीगल मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आए थे, पैरामिलिट्री यूनिट क्विकली ज्वाइंड इन ऑफरिंग टू शूट कैटलिक इन रिटर्न एवरी सोल्जर शॉट बाय आईआरए। तो उसने कहा ठीक है तुम्हारे पुलिस वालों को मारोगे सोल्जर्स को, तो हम तुमको हर सोल्जर के बदले में तुमको मारेंगे। द टाइम कोटेड बाय बेलफास्ट सिटीजन, एनी वन हु इजंट कंफ्यूज्ड हियर डजंट रियली है रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। ये लोग हंसते हैं बच्चे एक स्कूल में ना, और मां बाप भी इस बात से बहुत राजी नहीं होते कि गांधी जी और जीसस क्राइस्ट पागल थे, जब वो कहते थे कि अगर तुम्हें कोई गाल पे एक झापड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो, या गांधी जी कहते थे कि कोई तुम्हें मारे तो तुम बदले में मारो मत, वो यही रोकना चाहते थे, क्या खून के बदले खून, क्योंकि ये कभी भी ये विशेष सर्कल टूटता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खून के बदले खून करो, मैं खाली ये कह रहा हूं अगर आप लॉन्ग टर्म सोचोगे, बहुत लॉन्ग टर्म, तो आप कुछ और डिसाइड करोगे। जैसे जब मैं अपने घर में आता हूं और मैं देखता हूं कि जैसे अम्मा नीचे सो रही है, तो अगर मैं उनको डिसरिस्पेक्ट तरीके के साथ ट्रीट करता हूं तो मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उनसे? डिसरिस्पेक्ट। तो अगर आप किसी के साथ वायलेंट होते हैं, और ये वजह नहीं है कि वो भी मेरे साथ वायलेंट था इसलिए, then violence will be erupting. तो कैसे आप खून का बदला खून रोकें? It's a different question. We'll discuss it later. But बोलता है कि जब जो भी उस समय वहां पर था बेलफास्ट में, वो अगर कंफ्यूज नहीं है, इसका मतलब वो उस आदमी को सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं, मतलब पूरी पागलपन था वहां पर, ये उनको मार रहे हैं वो उनको मार रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता था। इंदिरा गांधी जिस दिन मरी थी रात को 1984 में, मुझे याद है मेरे पिताजी को जल्दी जाना था एयरपोर्ट की जॉब लगने वाली थी, लग चुकी थी, और एम्बेसडर कार उनकी सेकेंड हैंड खरीद रखी थी उन्होंने, और गांव से हम लोग शहर आ रहे थे और हेडलाइट खराब हो चुकी थी, तो अंधेरे में गुद 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 करके चला रहे थे गाड़ी, तो आराम से नीचे गिरी, पेड़ का एक टहनी टूट के नीचे गिर गई थी, तो एक्सीडेंट नहीं हुआ हम लोगों का। तब तक से खबर आई कि कर्फ्यू लग गया है दिल्ली वगैरह में और सरदारों को मारा जा रहा है, शूट किया जा रहा है, बिकॉज किसी सरदार ने ही उनको गोली मारी थी। और मुझे कुछ समझ में आया 84 में मैं कितना उम्र था, मेरी उम्र थी करीब 8 साल की उम्र थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सरदारों को क्यों मार रहे हैं, जिसने उनको मारा है उनको पकड़े, लेकिन जितने सरदार थे बेचारे लोगों ने अपने बच्चों को बाल कटवा दिए, क्योंकि पकड़ पकड़ के मारते थे लोगों को, बच्चा मिले बच्चा मारो, आदमी मिले आदमी मारो। बाल कटवा, हाँ कटवा दिए बाल, नहीं तो बच्चे मर जाते, सरदारों के बच्चे को पकड़ मार रहे थे, गर्दन काट दी, हाँ हाँ हाँ। तो मुझे मुझे सच में कंफ्यूज था उस समय, बिल्कुल मुझे था इंदिरा गांधी मरी है तो मरी है, लेकिन बोलता दैट ईयर उस साल 25 मौतें हुई, 213 शूटिंग हुई, 155 बॉम्बिंग हुई, ब्रिटिश स्टूड फर्म, और ब्रिटिश टाइट करके खड़े रहे, दे क्रैक डाउन इवन हार्डर, और स्ट्रिक्ट हो गए। 1971 देर वर 184 डेथ, और डेथ बढ़ गई, जो 25 डेथ थी 184 डेथ हो गई, जो बॉम्बिंग 213 थी 1020 बॉम्बिंग हो गई, जो बॉम्बिंग सॉरी शूटिंग 100 हाँ बॉम्बिंग हो गई 1020 और शूटिंग जो 155 थी वो बढ़कर के 1756 हो चुकी थी। When the British drew a line in the sand, the RB instituted the policy known as internment. Civil rights, Northern Ireland were suspended. The country was flooded with troops and the RB declared that anyone suspected of terrorist attacks activities would be arrested and held in prison indefinitely without charge or trial. Internment, मतलब नजरबंदी, एक तरह का कर्फ्यू। इतनी मौतें होने लगी तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया, नजरबंदी लगा दी, और जो भी टेररिस्ट का सस्पेक्ट भी किया जाएगा उसको गोली मार दी जाएगी। So many young Catholic men were rounded up during the internment that in the neighborhood like Murphy, everyone had a brother or father or a cousin in prison.
राउंडेड अप बड़ा अच्छा वर्ड है, लपेटे में आ गया। जब गवर्नमेंट ने नियम लगा दिया कि जो भी तुम्हें सस्पेक्ट लगे कि टेररिस्ट है उसको मार दो, तो बेचारे कैथलिक को तो सभी लग रहे थे सस्पेक्ट, कहीं पे भी कोई भी दिखा मार दो। इफ दैट मेनी पीपल इन योर लाइफ हैव सर्व्ड टाइम बिहाइंड बार, अगर आपके पिता, आपके भाई, आपके बाप पीछे जेल के पीछे गुजार चुके हैं, इतने लोग गुजार चुके हैं जेल में, डज इट सीम प्रेडिक्टेबल, क्या आपको प्रेडिक्टेबल लगता है लॉ? डज इट सीम लाइक यू कैन स्पीक अप एंड बी हर्ड, कि आप जाके बोलेंगे और आपको सुना जाएगा? थिंग्स गॉट इवन वर्स, और बेकार हो गई चीजें। 1972 में 1495 जो कि 1000 शूटिंग थी वो बढ़कर के 1500 शूटिंग हो गई, 531 आर्म्ड रॉबरीज मतलब बंदूक लेकर के लोगों ने लूट लूट पाट की, 1900 बॉम्बिंग, 400 करीब 500 लोग मरे। वन ऑफ दोज, और उस 500 लोगों में से एक कौन था, वॉज अ 17 ईयर ओल्ड बॉय नेम्ड इयमान। इयमान वॉज रोजमेरी लॉयर्स लिटिल ब्रदर, रोजमेरी का छोटा भाई था। इयमान अपियर्ड एट माई डोर, बोलते मेरे दरवाजे पर आया था, लॉयर कह रही है, ही सेड टू मी आई वुड लव टू स्टे फॉर अ डे और टू, बोलते एक दो दिन मैं तुम्हारे यहां रहना चाहूंगा बहन। एंड आई सेड वाई डोंट यू, तुम रहते क्यों नहीं? ही सेड मा वुड हैव फिट्स, शी वुड गो बैलिस्टिक, बोलता है मां पागल हो जाएगी, फिट्स पड़ जाएंगे, डर जाएगी बेचारे, मैं मर तो नहीं गया कहीं। एंड देन ही कन्फाइंडेड इन माई सेल्फ एंड माई हस्बैंड दैट ही वॉज गेटिंग हैरिस बाई ब्रिटिश आर्मी, तो उसने हमको बताया चुपके से, बताया ब्रिटिश वाले बहुत परेशान कर रहे हैं हमको, आर्मी वाले। एवरी टाइम ही वॉज आउट, एवरी कॉर्नर ही टर्न, एवरी वेयर ही वेंट, देवर स्टॉपिंग हिम एंड देवर थ्रेटनिंग हिम, जहां पर भी जाए उसको पकड़ पकड़ के उसको धमकियां मिलती थी। ही वॉज इवेंचुअली वर्किंग विथ IRA, और कहा जाता है कि अल्टीमेटली वो IRA कौन थी, वो संस्था जो कि प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ लड़ाई करते थे, आयरिश लोग। बोलता है शी डिडंट नो एंड शी सेड इट डजंट मैटर, उसको पूछा गया क्या वो काम करता था IRA के लिए, बोलती मुझे पता नहीं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, वी वर ऑल सस्पेक्ट्स इन देयर आईज, बोलती हम सब उनके लिए सस्पेक्ट थे, सस्पेक्ट मतलब कोई ना कोई, उनके लिए तो हम टेररिस्ट थे। मैट्रिक्स में पता है उसका नाम क्या है, मॉर्फियस को और ट्रिनिटी को और नियो को लोग क्या बोलते हैं, एजेंट्स, टेररिस्ट। तो बोलते वी वर ऑल सस्पेक्ट्स इन देयर आईज, उनकी आंखों में तो हम सस्पेक्ट्स थे। शी वेंट ऑन, और बोलती रही, दैट्स द वे इट वॉज, इसी तरह का था। इमॉन वॉज शॉट, नॉट शॉट बाय ब्रिटिश सोल्जर, फिर बाद में एक ब्रिटिश सोल्जर ने उसको गोली मार दी। हिम एंड अनदर फेलो वर हैविंग स्मोक, वो लोग सिगरेट पी रहे थे, एंड वन शॉट रैंग आउट, और एक गोली चली, ईमान कॉट इट, और वो गोली ईमान को लग गई। He lived for 11 weeks, 11 महीने तक जिया, 11 हफ्ते तक। He died on 16 January at 17 and a half years of age, करीब 17.5 साल की उम्र में वो मर गया। She began to tear up, रोना शुरू कर दिया उसने। My father never worked again at the dock, मेरे पिताजी ने फिर दोबारा कभी डॉक पर काम नहीं किया जहां नौकरी करते थे, क्योंकि वहां पर सस्पेक्ट उनको माना जाता था। डॉक्स मतलब जहां पर बड़े बड़े शिप्स आते हैं, रुकते हैं। माई मदर वॉज डिस्ट्रॉयड, हार्ट ब्रोकन, मेरी माँ तो एकदम दिल से उसका दिल टूट चुका था। इट वॉज 40 ईयर्स अगो दिस ईयर, इट इज स्टिल रफ, 40 साल पहले घटना हुई थी लेकिन आज भी हमारे सीने में वो जिंदा लगता है। लॉलर वॉज अ यंग वाइफ एंड मदर, लिविंग वॉट शी हैड एक्सपेक्टेड वुड बी नॉर्मल लाइफ इन द मॉडर्न बेलफास्ट, सोच रही थी कि मेरी जिंदगी नॉर्मल चलेगी, मॉडर्न बेलफास्ट में रहूंगी मैं। बट देन शी लॉस्ट हर होम, फिर उसका घर चला गया। शी वॉज थ्रेटेंड एंड हैरेस्ड, उसको डराया गया और हैरेस किया गया। हर रिलेटिव डाउन द हिल वर इम्प्रिजेंड इन देयर होम्स, उनके रिश्तेदारों को घर में ही प्रिजनमेंट कर दिया गया। हैरेस मतलब जबरदस्ती परेशान करना, हरास करना। हर ब्रदर वॉज शॉट एंड किल्ड, उसके भाई को मार दिया गया था। शी नेवर वॉन्टेड एनी ऑफ इट, वो चाहती नहीं थी ये सब उसके साथ हो। नॉर आस्ट फ्रॉम एनी ऑफ इट, इस तरह का किसी से बोला भी नहीं था उसने ऐसा हो। नॉर कुड इवन मेक सेंस ऑफ वॉट हैपेंड, उसको समझ में नहीं आता ये सब हो क्यों रहा है। दैट वॉज माई लाइफ, द होल न्यू लाइफ, ये मेरी नई जिंदगी थी, शी सेड। एंड देन दिस वॉज फोर्स्ड अपॉन मी, और ये सब मेरे ऊपर जबरदस्ती फोर्स किया गया था। एंड आई गो एंड दिस इज नॉट राइट, डू यू नो, हियर आर माई पीपल, आई ग्रो अप इन द स्कूल being burnt out of their houses, बोलते मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग, उनको जलाया जा रहा था। The British army that came into protect us has now turned on us and is wrecking and ruining, जो हमको बचाने आए थे वो हमारे खिलाफ हो चुके हैं और हमको बर्बाद कर रहे हैं। I became hooked, फिर मैं टाइट हो गई, हुक हो गई। I don't mean with flippantly, बोलते ऐसा नहीं कि मैं superficial हो गई,
या मैं खराब हो गई, बोलते मैं टाइट हो गई, किस तरह से, आई बिकेम दैट वे बिकॉज आई कांट सिट इन द हाउस वाइल दिस इज गोइंग ऑन, बोलती मैं ऐसे चुपचाप बैठी रहूं अपने घर में जब हमारे लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो मैं चुपचाप घर में बैठी रहूं। आई कांट बी अ 9 to 5 मदर, मैं 9 to 5 मदर नहीं बन सकती कि बेटे को खाना खिला दिया बस, सुला दिया बस। बोलती है पीपल कॉल इट द ट्रबल्स, बोलते लोग बोल रहे थे कि वो परेशानी आ गई है। शी कंटिन्यूड इट वॉज वॉर, लड़ाई चल रही है, द ब्रिटिश आर्मी वॉज आउट देयर विथ आर्मर कार्स एंड वेपन्स एंड यू नेम इट, हर चीज ब्रिटिश के पास थी और वो लड़ाई करने आ रहे थे। इट वॉज अ वॉर जोन, एक वॉर जोन था, लड़ाई का सीन था। द ब्रिटिश आर्मी केम इन हियर एंड एवरी मीन्स दैट दे हैड अवेलेबल टू पुट अस डाउन, और हर तरीके से हमको दबाने की कोशिश कर रहे थे। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो, सॉरी, एंड वी वर लाइक रबर डॉल्स, तो हम कैसे बन गए रबर डॉल्स की तरह, वी वुड जस्ट बाउंस बैक अगेन, हमको कोई मारता हम फिर से खड़े हो जाते, बाउंस बैक, नहीं रबर डॉल को मारो तो फिर वापस आ जाती है। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझो, वी गॉट हर्ट ऑन द वे, इसमें हमको चोट लगी, अ लॉट ऑफ पीपल हैड हार्ट एक, बहुत लोगों को दर्द हुआ, तकलीफ हुआ। आई सफर्ड फ्रॉम एंगर फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक मुझे क्रोध पकड़ कर बीमारी थी, क्रोध गुस्से की, लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक। एंड आई हैव अपोलोजाइज टू माई चिल्ड्रन फॉर दैट, मैंने अपने बच्चों को भी बहुत बार माफी मांगी है, बट द सर्कमस्टांसेस डिक्टेटेड दैट, लेकिन मैं जब से नहीं करी थी ये सब चीज, परिस्थिति ने मुझसे कराया। इट वॉजेंट हाउ इट वॉज, ऐसी मैं थी नहीं बचपन में, इट आई वॉजेंट बॉर्न दैट वे, इट वॉज फोर्स्ड अपॉन मी, मैं पैदाइशी गुंडा नहीं थी, मेरे ऊपर गुंडागर्दी फोर्स की गई थी। रोज मेरी लॉलर।